डरावनी पल लावा बम हवाई ज्वालामुखी विस्फोट के बाद 23 घायल पर्यटक नाव के माध्यम से पिघला हुआ चट्टान दुर्घटनाग्रस्त भेजता है। पर्यटकों को किलोरा ज्वालामुखी के विस्फोट के करीब उठ रहे थे जब हवाई जहाज के बड़े द्वीप से आग लगने पर आग लग गई थी। टेरिफाइंग फुटेज उस क्षण को दिखाता है जब एक लावा बम एक पर्यटक नाव के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल छुट्टियों के हवाई द्वीप से 23 छुट्टियों को घायल कर दिया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि लावा महासागर टूर्स जहाज पर एक महिला को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया था जबकि 22 अन्य लोगों ने भ्रूण नोट का सामना किया था। पर्यटकों ने मई के बाद से किलो ज्वालामुखी से सागर में उतरने वाले लावा पर नजदीकी नजर डालने के लिए भुगतान किया था। हवाई काउंटीफायर विभाग ने कहा कि वे अभी भी पानी पर थे जब बास्केटबॉल आकार लावा बम ने नाव की छत में एक अंतर छेद को पछाड़ दिया। 20 वर्ष की उम्र में एक महिला को टूटी हुई जांघ की हड्डी का सामना करना पड़ा और उसे आगे के इलाज के लिए मिहिलो मेडिकल सेंटर में ले जाना पड़ा। नव पर एक यात्री ने स्थानीय समाचार स्टेशन 2 को बताया कि वह और उसके प्रेमी भयभीत हुए क्योंकि आग की उनके सामने उड़ गई। उसने कहा, यह सिर्फ असली था, मुझे यह भी विश्वास नहीं था कि यह हमारे सामने आ रहा है, हम इसे देख रहे हैं। यह बहुत सुंदर था, तो यह मेरे भगवान की तरह है, मुझे इससे दूर जाने की जरूरत है, वहां जाने के लिए कहीं भी नहीं है। अमेरिकी सर्वेक्षण का कहना है कि जब भी लावा बहुत ठंडा समुद्री जल में प्रवेश करता है तो विभिन्न आकारों के विस्फोट होते हैं जबकि कुछ विस्फोट देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं जब हालात सही होते हैं। बड़े विस्फोट पिघला हुआ चट्टान और मलबे को हवा में ऊंचा भेजते हैं। जेनेट बाब के अनुसार जहाज के मालिक और कप्तान शेन टिपिन ने कहा कि उन्होंने कभी भी उस विस्फोट को नहीं देखा जो उसकी नाव के ऊपर पिघला हुआ चट्टान बारिश कर रहा था। वह और उसका दौरा समूह इस क्षेत्र में था। टिपिन ने कहा कि समुद्र के प्रवेश के लिए 20 गज की दूरी तय करने के लिए 20 मिनट। टिपिन ने कहा, उन्होंने किसी भी बड़े विस्फोट का पालन नहीं किया इसलिए उन्होंने लावा से करीब 250 गज की दूरी पर अपने जहाज को करीब से नेविगेट किया। जैसा कि हम क्षेत्र से बाहर निकल रहे थे हमारे चारों ओर अचानक सब कुछ विस्फोट हुआ, उन्होंने कहा। यह हर जगह था। टिपिन ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि विस्फोट कितना बड़ा था जब तक कि उसने बाद में घटना के वीडियो को किनारे पर नहीं देखा। यह बहुत बड़ा था, मुझे पता नहीं था, हमने इसे नहीं देखा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसी महिला का दौरा किया था जिसने अस्पताल में गंभीर चोटें बरकरार रखी। उन्होंने कहा, वे अविश्वसनीय लोग हैं। अधिकारियों ने समुद्र में प्रवेश करने वाले लावा के करीब होने के खतरे की चेतावनी दी है, यह कहते हुए कि बातचीत एसिड और ठीक ग्लास के बादल बना सकती है। खतरों के बावजूद कई कंपनियां इस तरह के पर्यटन संचालित करती हैं। कोस्ट गार्ड ने कहा कि दौरे के जहाजों ने कम से कम 20 वर्षों में वापस जाने वाले क्षेत्र में संचालित किया है। यूएस कोस्ट गार्ड ने सुरक्षा क्षेत्र बनाया जहां लावा बिग आइलैंड से समुद्र में बहती है। जहाजों को 984 फीट से करीब पहुंचने से रोकती है लेकिन एजेंसी अनुभवी नाव ऑपरेटरों को 164 फीट तक पहुंचने के लिए एक विशेष लाइसेंस के लिए आवेदन करने की इजाजत देती है। जहां लावा समुद्र में घूमता है, मई में एक नए चरण में प्रवेश करने के बाद से ज्वालामुखी ने 700 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया है लेकिन पिछले दो महीनों में एकमात्र गंभीर चोट एक ऐसे आदमी के लिए थी जिसने लावा उड़ाने से मारा था।
Thank you.